नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आप MPE डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आय और निवास बनाना चाहते हो तो बने रहिए आज की हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम MPE डिस्ट्रिक्ट के थ्रू किस तरह से आय और निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या कैसी क्या प्रॉब्लम आती है। सारी प्रॉब्लमों का आज मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा, फिर चाहे वो आपका वेबसाइट से रिलेटेड हो या फिर आपका डिजिटल सिग्नेचर PhD फाइल आपसे अपलोड ना हो रही हो उससे रिलेटेड हो। तो बने रहिए दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप MPE डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आय और निवास के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। पहला तो हो गया आपका डिजिटल सिग्नेचर, पेन ड्राइव टाइम में जो आपकी डिजिटल सिग्नेचर आती है ई पास के जरिए, ठीक है ना, तो वो आपको खरीद लेनी है या फिर बनवा लेनी है, ठीक है ना। आपका 700-800 रुपए बनकर तैयार हो जाएगी आपकी ई पास की पेन ड्राइव टाइप की एक आपकी डिवाइस रहेगी, जैसे हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसे बनवा कर रख लीजिएगा और अपने कंप्यूटर में फंसाने के बाद उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जहां से भी आप अपने ई पास की जो डिवाइस बनवाओगे उसका एक पासवर्ड रहेगा, वो आप कहीं पर नोट कर रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जब भी अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज करोगे तो उस पासवर्ड की हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में ई पास या फिर और भी कोई अदर कंपनी होगी उसकी आप मॉडेम अपने कंप्यूटर में लगाओगे डिजिटल सिग्नेचर की, तो कुछ इस तरह से आपका आइकॉन शो करेगा, ठीक है ना। जहां पर टाइम देखते हैं उसके बगल में ही आपका आइकॉन शो करेगा डेस्कटॉप पर, जैसे मैं आपको ओपन कर दिखा देता हूँ यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये रहेगा आपका ई पास का टोकन, ठीक है ना। इसको आपको पासवर्ड से, जो भी आपको पासवर्ड मिला हो उससे आपको खोल लेना है पासवर्ड। आप जहाँ पर भी अपना ई टोकन बनवाओगे वही आपको पासवर्ड देगा। तो यहाँ पर सिंपली आप लॉगिन कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, इसके बाद इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर दीजिएगा। अब दूसरी चीज की हमें जरूरत पड़ती है, देखिए कोई ऐसा एक पोर्टल जहाँ से हम ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं का लाभ उठा सकें, ठीक है ना। कोई एक ऐसा पोर्टल जहां से हम MPE डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं का लाभ उठा सके। दो तरह के पोर्टल होते हैं। पहला पोर्टल तो हो गया आपका डिजिटल सेवा CSC पोर्टल, ठीक है ना, डिजिटल सेवा CSC पोर्टल। अगर आपने डिजिटल सेवा CSC पोर्टल के लिए अप्लाई नहीं किया है तो मैंने एक वेबसाइट एक वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब वहां से डिजिटल सेवा का ID पासवर्ड किस तरह से बनवाया जाता है आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद दूसरा पोर्टल तो होता है MPE ऑनलाइन। आपको शायद पता होगा कि MPE ऑनलाइन में अगर आपके पास कियोस्क पोर्टल है, MPE ऑनलाइन का कियोस्क है, तो आप यहां से भी बनवा सकते हो। देखिए मैंने यहां पर अपने दोनों पोर्टल लॉगिन कर रखे। देखिए ये वाला हो गया मेरा, देखिए यहाँ पर ये वाला मेरा डिजिटल सेवा पोर्टल हो गया। यहाँ पर आप देखिए सर्विसेस में जाएगा और थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर लोकेशन में आपको अपनी MPE स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा तो आपको आपको MPE सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। जहां पर मेरा माउस का कर्सर जा रहा है यहाँ से लोकेशन है, MPE सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको CSC पोर्टल में दो सेवाएं मध्य प्रदेश की मुहैया करवाई जाती हैं। CSC पोर्टल में जैसे कि आप जानते होंगे CSC ऑल इंडिया पोर्टल है, तो यहाँ पर सभी स्टेटों की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। उसी तरह से यहाँ पर MPE के लिए दो सेवा उपलब्ध कराई जाती है। पहली तो हो गई आपकी MPE ऑनलाइन जो कि ठीक से काम नहीं करती है CSC पोर्टल में, और दूसरी आपकी सेवा हो गई ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस, ठीक है ना। लेकिन ये सेवा आपकी परफेक्ट काम करती है डिजिटल सेवा में। तो यहाँ से मैं क्लिक हेयर किए देता हूँ ई डिस्ट्रिक्ट पर, MPE ई डिस्ट्रिक्ट पर। तो यहाँ पर एक छोटा सा पेज खुलकर आ जाएगा, उसको मैं बताता हूँ जब तक ये पेज खुलता है। इसके बाद मैं आपको MPE ऑनलाइन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना ID पासवर्ड लॉगिन कर रखना है और थोड़ा नीचे की तरफ जाना है। लेफ्ट साइड में आपको MPE डिस्ट्रिक्ट लिखा मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो एक MPE डिस्ट्रिक्ट का आपको आइकॉन दिखेगा, वहां से आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद चलिए दोबारा चलते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पर। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे ही MPE डिस्ट्रिक्ट क्लिक हेयर किया
तो यहाँ पर मुझे कुछ सर्विसेज आ गई सामान्य प्रशासन में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जैसे कि 6.1 कानूनी वैधता के कारण स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी करना, और 6.2 कानूनी वैधता के कारण आय प्रमाण पत्र जारी करना। तो यहाँ पर दोनों के लिए मुझे अप्लाई करने के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से मैं अगर आय के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ सेकंड नंबर से, तो आय के लिए कर सकता हूँ फर्स्ट नंबर पर, निवास के लिए कर सकता हूँ। और अगर आप बीच में कुछ भूल जाते हुए फिर लाइट वाइट चली जाती है या फिर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो एडिट में जाइएगा, आपको वो फॉर्म वहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ एक बार। देखिए एडिट पर मैं गया, आय के एडिट पर मैं गया, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट के एडिट में मैं यहाँ पर जैसे क्लिक किया, तो यहाँ पर जो भी जितने भी मैंने अप्लाई की होंगी वो शो कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक अप्लाई किया था, तो मेरा अप्लाई ऑटोमेटिक ही आ गया है, ठीक है ना। अगर आपका इनकम्प्लीट होगा तब भी यहाँ पर आएगा, और कम्प्लीट होगा तब भी आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो बड़ी आसानी से। पहले स्टेप में आपको अप्लाई कर देना है, और कुछ जरूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, और नेक्स्ट नेक्स्ट पर करते जाना है, और 30 या 15 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। इसमें अच्छी बात ये होती है कि आपसे 30 रुपए का पेमेंट करवाया जाता है, लेकिन 15 रुपया वापस आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है सीएससी के पोर्टल में। उसी तरह से आपको एमपी ऑनलाइन में भी ये सुविधा देखने को मिलती है कि आपसे 30 या 25 रुपए का पेमेंट कराया जाएगा, वहां पर आपको 10 या 15 रुपए एमपी ऑनलाइन के उस पोर्टल में आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब 10-15 रुपए का आपको आय और निवास पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ही सस्ता आय और निवास की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सारी सुविधाएं, आप सिंपली उसी तरह से देखिए एमपी ऑनलाइन भी एमपी ऑनलाइन में भी उसी तरह से सामान्य प्रशासन की सेवा दी गई है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कानूनी वैधता के कारण स्थानीय निवास पर, और कानूनी वैधता के कारण आय प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अप्लाई के लिए पंजीयन का ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना। उसी तरह से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। ये तो हो गई आपकी पोर्टल की बात। अगर एमपी ऑनलाइन पर आपका ठीक से पोर्टल काम ना करे, तो सीएससी पोर्टल के थ्रू भी आप आसानी से अपने आय और निवास के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं टोकन की, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नेचर का जो टोकन होता है उसको किस तरह से यूज किया जाता है। दोस्तों आप सिंपली जैसे ही आप पेमेंट के बाद का ऑप्शंस करोगे, तो आपको ऑप्शंस मिलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। फिर चाहे वो आय हो या निवास, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, PSD फाइल बनाकर अपलोड करने होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही आप अपना USB यानी कि टोकन कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, तो आपका टोकन इंस्टॉल हो जाएगा, और कुछ इस तरह से आपका टोकन शो करेगा। देखिए मैं बताता हूं आपको, यहां पर कुछ इस तरह से आपका टोकन शो करेगा। टोकन लगाने के बाद देखिए यहां पर आपको एक इमेज कंप्रेस मर्ज सिग्नेचर, ठीक है ना, ये वाला एक एप्लीकेशन होता है, इसकी आपको जरूरत पड़ती है, इमेज कंप्रेस मर्ज सिग्नेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपको जरूरत पड़ती है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने इसकी लिंक दे दी है, आप सिंपली इस तरह की लिंक आपको एक मिलेगी, ये वाली लिंक आपको मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप सिंपली क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का खुलकर आ जाएगा, और आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। डाउनलोड करने के बाद इसको देखिए कुछ इस तरह से आप फाइल डाउनलोड होकर आएगी, ठीक है ना। इस तरह की इमेज कंप्रेस मर्ज सिग्नेचर, ठीक है ना, RR में आपकी जिप फाइल में आपकी डाउनलोड होकर आएगी। तो आप जिप फाइल ओपन कर लीजिएगा। जिप फाइल ओपन करने के बाद देखिए ये जो आपका इमेज कंप्रेस का जो फोल्डर आपको दिख रहा है, इस फोल्डर को आप कॉपी करके डेस्कटॉप पर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से डेस्कटॉप पर डाल दीजिएगा। डेस्कटॉप पर डालने के बाद देखिए सेकंड नंबर पर आपको जावा का एक एप्लीकेशन शो करेगा। जैसे आप फोल्डर ओपन करोगे तो जावा का एक एप्लीकेशन शो करेगा, जो कि कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है ना, इस तरह से शो करेगा। अभी मैं इसे मिनिमाइज की देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिन भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करना चाहते हो PSD डिजिटल सिग्नेचर में, आप इनको बदलना चाहते हो डिजिटल सिग्नेचर फाइल में, इनको बदलना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको जितनी भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव हो, उन ड्राइवों में ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे ही एक कंप्रेस मर्ज एंड डिजिटल सिग्नेचर यूटिलिटी डाउन ओपन किया, तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे आपकी जो ड्राइवें होती हैं वो खुलकर आ गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जिस भी ड्राइव में अपना आप
यहाँ पर आपने जिस भी ड्राइव में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हो उस ड्राइव को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है ना। ओपन करने के बाद देखिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी एफ ड्राइव ओपन कर ली है, अब यहाँ पर जितने भी आपके एफ ड्राइव में फोल्डर होंगे वो आपके सारे के सारे शो करने लगेंगे। अब एफ ड्राइव में मेरा न्यू फोल्डर है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर डबल टिक करता हूँ न्यू फोल्डर पर, तो देखिए यहाँ पर जो राइट साइड में ऊपर की तरफ जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, एक फोटो रखी है और एक प्रमाण पत्र रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर करने होते हैं, इनको PhD फाइल में बदलना होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको माय कंप्यूटर खोलकर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं एफ एफ ड्राइव में गया तो यहाँ पर मेरा एक न्यू फोल्डर है, ठीक है ना। न्यू फोल्डर में मेरे दो डॉक्यूमेंट्स है, अब मुझे इन्हें PhD फाइल में बदलना है और इन्हें अपलोड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो अपनी यूटिलिटी फाइल एप्लीकेशन खोली और इसके बाद ड्राइव सिलेक्ट की, ड्राइव के अंदर फोल्डर सिलेक्ट किया। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद जिस भी डॉक्यूमेंट्स को सिग्नेचर करना चाहते हो, PhD फाइल में बदलना चाहते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको साइन डिजिटल डिजिटल लिखा दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक जैसे ही आप करोगे तो थोड़ा प्रोसेस लेगा और थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लेने के बाद आपके सामने एक देखिए इस तरह से एक पॉपअप विंडो आएगी, ठीक है ना। पॉपअप विंडो आएगी तो यहाँ पर आप सिंपली ओके कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि आपकी मॉडेम ठीक से कनेक्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ओके किए देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर मुझसे मेरा टोकन, जो मेरा डिजिटल सिग्नेचर का टोकन है, पेन ड्राइव है, उसका एक पासवर्ड रहता है, तो अब वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा। मैं यहाँ पर सिंपली उसका पासवर्ड डाल ही देता हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला और यहाँ पर देखिए लॉग इन करे बटन पर क्लिक कर दिया, ठीक है ना, या फिर साइन इन करे बटन पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर पॉपअप विंडो मैसेज में आता है सक्सेसफुल साइंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट फोटो जो है वो साइन हो चुकी है, डिजिटल साइन हो चुकी है। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट्स भी किए देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली एक बटन दबाओगे साइन डिजिटली तो आपके सामने पॉपअप विंडो आएगा। ओके करोगे तो सिंपली आपको पॉपअप विंडो आ जाएगा सक्सेसफुल का। देखिए यहाँ पर आ गया ना सक्सेसफुल का, कि आपका हो चुका है। एक बार ही आपको पासवर्ड डालना होता है। इसके बाद अगर आप इस यूटिलिटी एप्लीकेशन को क्लोज कर दोगे तब दोबारा से आपसे मांगेगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसे क्लोज किए देता हूँ। अब देखिए चलते हैं उसी फाइल पर, देखते हैं किस तरह की हमें ये PhD फाइल बनाकर देता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं एफ फोल्डर में जाता हूँ और न्यू फोल्डर में जाता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे फर्स्ट तो यहाँ पर देखिए ये आपकी कंप्यूटर में खुलेगी नहीं, खुल नहीं सकती है ये आपकी फाइल, लेकिन आपको यहाँ पर शो करेगी। अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो इन्हीं फाइलों को सिलेक्ट करके आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। देखिए जैसे कि 001, तो ये आपकी 001 हो गई PhD फाइल, और यहाँ पर आपकी 002, तो यहाँ पर 002 आपकी DHD फाइल हो गई, ठीक है ना। तो इनको आप अपने आय और निवास बनाते समय अपलोड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जो जो भी आपकी पिक्चर या डॉक्यूमेंट्स हो वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। 100 से 150 DPI के बीच में होने चाहिए, क्योंकि इतने में आपकी क्लियरिटी आ जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करना समझ आ ही गया होगा और किस तरह से हम आय और निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं मात्र 15 से 20 रुपये में। तो चलिए दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।